हैं आप लोग, वेलकम बैक माय चैनल हिमांशु ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और अभी बज रहे हैं और दोपहर के 3 बजने वाले हैं और मैं दीदी के यहाँ से आ गया हूँ। आज मैंने ब्लॉग मॉर्निंग से नहीं स्टार्ट किया हूँ क्योंकि वहाँ पे था ना इतने सारे, वहाँ पे काम था, ये करो वो करो, इसको छोड़ो उसको छोड़ो। मैं तो कल पता है आपको, मैं अपने घर पे वहाँ से 3 बार मैं घर पे आया था और लोग लिवा के गया और लोग फिर छोड़ने आया रात को। फिर मैं रात को 9 बजे रात को फिर से वापस गया, तो अभी आया मैं करीब 11 बजे आया। ठीक है, तो अभी मैं नहा के आ गया हूँ और अभी तो घर पे काम चालू है 2 दिन से, तो कुछ पता नहीं क्या हो रहा क्या हो, क्योंकि मैं 2 दिन वहीं उधर ही था मैं। ठीक है, अभी मैं चलूँगा नीचे क्योंकि हमारा जो सूट हो रहा था ना, वो सूट का भी 2-3 क्लिप अभी बचा है, क्योंकि हम लोग सोच रहे ना हमारा घर के जो प्रोग्राम है ना उसको आने से पहले हम वो सारा शूट कंप्लीट कर लें, क्योंकि अगर वो काम आ जाएगा ना तो ये शूट भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा और हमारे एडिटिंग में नहीं बच। मैं सोचा था इस जो हमारा इसके पहले जब हम लोग शूट स्टार्ट किए थे, तो मैंने सोचा था कि 10 तारीख तक मैं जो वीडियो अपलोड कर दूँ, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, 2-3 दिन मेरा उधर चला गया, अभी इधर मैं सोच रहा हूँ अभी वो कंप्लीट करके वो अपलोड कर ही देता हूँ उसको। ठीक है, तो अभी चलेंगे नीचे, देखता हूँ घर पे क्या हो रहा है और अंकित लोग अभी सो रहे होंगे। ठीक है, तो अभी आज शाम को, हाँ आज आप बताना था, आज हमारे यहाँ गेहूँ की मड़ाई होने वाली है। ठीक है, तो दिखाएंगे आपको भी हमारे यहाँ मड़ाई कैसे होती है गेहूँ की। ओके, टेली का जो चैन है ना उसमें भी ऑयल वगैरह लगा रहे हैं अभी। चैन उतर गई भाई, चैन उतर गई हमारे टाली। अभी हम लोग इसको लेके जा रहे हैं गेहूं के खेत में, आज वहाँ गेहूं का मड़ाई होने वाली है। अभी हम लोग जा रहे हैं खेत में, ये हमारे गांव के बीच में एक तालाब, यहाँ पे तालाब में मछली लाया गया है, बहुत सारी मछलियाँ। लोग अपने गेहूँ के खेत में आ चुके हैं, ये वाला खेत मड़ाएगा और इसके बाद वाला, इसके पहले का वीडियो आपने देखा होगा, तो उस वीडियो में दिखाया था शाम का था खेत में। और यहाँ पे हमारा ये टाली, इसको मैं टाली बोलते हैं, यहाँ पे पूरा बोरी वगैरह रखा हुआ है और यहाँ पे सब लोग खड़े हुए हैं, अभी ट्रैक्टर आया नहीं है और सारे भी वो उसको इकट्ठा करके यहाँ पर रखेंगे, दोनों खेत के इकट्ठा करके यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर मड़ाई होगा, दिखाएँगे आपको हमारा मड़ाई कैसे होता है। ओके, यहाँ पे डिसीजन हो रहा है कि ट्रैक्टर किधर खड़ा करेंगे, भूसा किधर जाएगा और गेहूँ किधर जाएगा, ये लोग अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे धूप हम लोग को बहुत तेज़ लग रही है, ऐसे धूप में खड़े रहेंगे 2-3 दिन में हम काले हो जाएंगे, शादी भी नहीं होगी हमारी। डिसाइड हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने चटाई बिछा दिया है और थ्रेसर यहाँ पे खड़ा होगा, भूसा इधर पूरा जाएगा और गेहूँ इधर गिरेगा। अब इधर से सारा ये बोझ उठा के ले आके यहाँ पे इकट्ठा करेंगे इस पर, इस वाले खेत का हम लोगों ने थोड़ा सा उठा के वहाँ पर रख दिया जहाँ पर ट्रैक्टर चलेगा। अभी यहाँ से जा रहा है इस वाले खेत से उठा उठा के लाएंगे। अभी सब लोग इस वाले खेत में आ गए हैं, अभी यहाँ से सारा ये वो जितना दिख रहा ना है सारा उठा उठा के लेके जाएंगे और वहाँ पे इकट्ठा करेंगे, यहाँ पे जहाँ पर उस वाले खेत इकट्ठा किए हैं। वो बहुत तगड़ी है खेत में, अभी बज रहे दोपहर के और शाम के 4 बजने वाले हैं। वाले कोने से स्टार्ट करेंगे उठा के ले गए ना, यहाँ पे इतने इकट्ठा हो गया है और अभी ढोढो के ला रहे इधर से उधर का, अभी और थोड़ा टाइम लगेगा उस वाले खेत का ढोआ जाएगा पूरा, सारा इकट्ठा करेंगे सुबह ट्रैक्टर आएगा। तो फाइनली दूसरे वाले खेत का यहाँ पे सारा बोझ इकट्ठा हो गया है और यहाँ पे सब लोग बैठ के समोसे खा रहे हैं, देख सकते हो आप सब लोग यहाँ पे लाइन से बैठे हुए हैं। ये तो सनसेट को जैसे ना इधर से क्लियर नहीं आ रहे हैं, अभी मैं पीछे साइड से वीडियो बनाऊँ इतना क्लियर आया, देख सकते हो सनसेट की वजह से ना उधर से वीडियो क्लियर नहीं आ रहा था और कितना मस्त लग रहा है। कालिया इधर देख बे, सब लोगों ने समोसे खा लिया है, यहाँ पे सब लोग बैठे देख सकते हो। अभी हम लोग कब से ट्रैक्टर का वेट करें, ट्रैक्टर भी आ रही है, उधर किसी का वहाँ पे मार रहा है, आने वाला है थोड़ी देर में आ जाएगा।
सनसेट दिखा रहा है आपको यहाँ से, कितना खतरनाक लग रहा है। यहाँ पे सब लोग बैठे हैं ट्रैक्टर का वेट कर रहे हैं, और इधर सनसेट देख रहे हो आप कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। फाइनली यहाँ पे थ्रेसर आ गया है, अभी यहाँ पे ऐसे ऐसे खड़ा करेंगे फिर चालू हो गई। थ्रेसर आ गया है, दिखाएंगे आप लोग स्टार्ट होने के बाद। क्या कितना मस्त लग रहा है, अभी हालत ख़राब होने वाली है धूल धूल से। ट्रैक्टर खड़ा कर दिए हैं, अभी यहीं पे चालू होगा। इधर जहाँ पे चटाई बिछा रहे हैं वहाँ पे गेहूँ गिरेगा और इधर भूसा गिरेगा। बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अभी रात को तो 11-12 बजने वाला है, बहुत लेट हो गया इन्होंने आने में। देख रहे हो कितना सनसेट शाम होने वाला है अभी। फाइनली अच्छे से स्टार्ट हो गया है, अच्छे से काफ़ी लेट आया है तो अब तक बहुत सारा बना के और देख सकते हो आप शाम होने वाले हैं। लोग कितना पहले आ गए थे, हम लोग शायद खेत में 5 बजे तक आ गए थे, लेकिन अभी 6 से ज़्यादा टाइम हो रहा है। कोई नहीं, अभी तो आ गया। और यहाँ पे देख सकते हो आप गेहूँ ऐसे निकलते हैं इस वाले थ्रेसर से, और कई टाइप के थ्रेसर होते हैं ना और में अलग अलग टाइप के निकलते हैं, इसमें ऐसे निकल रहा है देख सकते हो आप। इतना ज़्यादा दूध उड़ रहा है देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा दूध उड़ रहा है। इधर से जो बच्चा हो ना उसको उठा उठा के ला रहे हैं अभी। थोड़ी देर में अभी शाम होने वाली है, जैसे कंटिन्यू है अभी। इस साइड में डायरेक्ट जो गेहूँ निकल रहा ना उसको बोरी में भर भर के ना यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। इतना गेहूँ निकल चुका है अभी, हो गई है शाम, बजे रात के 7 देख सकते हो आप। अभी जैसे ऐसा चल ही रहा है, 1 घंटे हो गए ट्रेन से चलते हुए, पर अभी इतना ही हुआ है, अभी कम 3 घंटे और लगेंगे। ये मुल्ले इधर दिख नहीं रहे, अंधेरा इस साइड में, लाइट अभी लेके आएंगे हम, जलाएंगे यहाँ पे लाइट। ओए फोन चला रहा है ये। तो अभी बजने वाले रात के 8, अभी ट्रेन कंटिन्यू है, लेकिन अभी भी 2 घंटे से ज़्यादा लगेगा। देख सकते हो अब इतना भूसा निकल चुका है। तो अभी बज रहे रात के 9:30, आधे से ज़्यादा बला गया है, लेकिन अभी भी काफ़ी टाइम लगेगा देख सकते हो आप। यहाँ पे सब लोग लगा के थक गए होंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है ना। तो फाइनली अभी गेहूँ की मड़ाई ख़त्म होने वाली है, अभी बज रहे रात के 10:30 देख सकते हो आप। यहाँ पे सारा इकट्ठा हो गया है, यहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा बचा था उसको उठा उठा के इकट्ठा करें पूरा। तो फाइनली गेहूँ की मड़ाई ख़त्म होने वाली है, थोड़ा सा यहाँ पे और बचा हुआ है। जो बचा हुआ है यहाँ पे हाथ से थोड़ा थोड़ा उठा के तुम्हारे देख सकते हो, इतना सारा यहाँ पे गचा हुआ था सब खत्म हो गया देख सकते हो। इधर पे पूरा चटाई का सब खत्म हो चुका। तो थोड़ी देर में भी थ्रेसर बंद होने वाला है, दिखा रहे हैं आपको थोड़ी देर में। तो फाइनली गेहूँ की मड़ाई हो चुकी है, यहाँ पे देख सकते हो कितना रात हो गया है। यहाँ पे सारा गेहूँ भरा हुआ है बोरी में, ये थ्रेसर तक खड़ा हुआ है, और यहाँ पे सब लोग खड़े हुए, कोई अंधेरे में दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे ये भूसा इतना सारा यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, कल देर में दिखाएंगे यहाँ पे कितना भूसा इकट्ठा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग सारा सामान लेके भी यहाँ से चलेंगे घर, मिलते हैं आप लोगों को घर पहुँचने के बाद। फाइनली हमारा खेतों का काम फिनिश हो गया, अभी मैं घर पे आ गया हूँ। अभी बज रहे रात के 11:30, तो अभी हम लोग सब लोग वापस घर पे आ गए ना, मैंने नहावा लिया, अभी मैं नहा के आ रहा हूँ। अभी खाना भी नहीं खाया है, अभी मैं जाऊँगा खाना खाने, तो मैं सोचा पहले वीडियो को समाप्त कर देता हूँ। तो मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन से पहले आपको मिले। ओके तो गुड नाइट, मिलेंगे फिर आप लोगों से कल मॉर्निंग में 9 बजे एक और एक नए वीडियो के साथ। ओके।